फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव के नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधान के पति के साथ हथगांव थाने के थानेदार आदित्य सिंह द्वारा गाली गलौज व बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थानेदार ग्राम प्रधान को जमकर गाली गलौज कर रहा था और साथ ही फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी देते हुए भी नजर आ रहा है। वही वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ वैसे ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में जांच की बात करते हुए पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से वो माँ बहन पूरे गांव की कर रहा है और वो सबको धमकाने की कोशिश करते हैं। गरीब जनता है, वो बोल नहीं पाती है, उनको डरवाते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। वो कहते तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम्हें गाँव में रहने नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, धमकाते हैं। मुकदमे इतने लगा देंगे, तुम लोगों को कैरियर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। खूब उल्टी सीधी धमकियां देते, थाना अध्यक्ष भी गाली गलौज करता है, रोज का यही काम है उनका। ये आम युवाओं को परेशान करना, उनका करियर ख़त्म करना और झूठे मुकदमे लगा के उनको कहते हैं जेल में बंद कर देंगे, छूट नहीं पाओगे, जमानत नहीं होगी। दुनिया भर की बातें बोलते हैं और बुजुर्गों से भी गाली गलौज करके जाते हैं यहाँ पे। पुराना प्रधान जो है उससे अब की पूरा युवा हमारे गांव का अलग होके पप्पू भैया का साथ दिया है और प्रधान के दबाव में थाना अध्यक्ष छतगाम आदित्य सिंह आके युवाओं को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डालने की धमकी देता है, हमारी करियर बर्बाद करने की धमकी देता है। जी सर, रात में आके दिन माताओं बहनों को परेशान करता है। हम लोग 11 महीने 12 महीने का साल होता है, 11 महीने 15 दिन प्रदेश में ही रहते हैं, जो कि बचपन से ये मुन्नू सिंह ने इनका आतंक बहुत ज़्यादा हुआ, जो कि आज तक हम लोग परेशानी में रहते हैं। आज हम किसी मदद से पप्पू सिंह को जिताए और उस पक्ष में आज भी गुंडई तदबील कर रहे हैं, रोज परेशान करते हैं, जागने सोने नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें माताएं हैं, दिला जाती हैं कट्टा बंदूक धमकियाँ, निकलवा देंगे घर से, बाहर करवा देंगे, तुमको भिजवा देंगे, लेकिन उसी का थानेदार भी आके वही बात की धमकी दे रहा है। सर धन्यवाद आपका। आपका परिचय क्या है मैडम? मेरा परिचय है, मैं ग्राम अखरी राजेश्वर सिंह मेरा नाम है जी। और यहाँ पर दरोगा जी आता है 2-3 महीनों से जी। और किसी के बहकाए में या मंत्री जी के कहने में बराबर गालियाँ देता है, उल्टी सीधी बातें करता है जी। और अपना दबाव बनाता है, हमारी लोगों की चलने नहीं देता जी जी। और कई बार हम लोग प्रधान बनाने के बदलने की कोशिश किया, लेकिन मंत्री जी के वो चलते नहीं बदलते जी जी। किसी तरह अपना पावर पहुआ जी, कोशिश मेहनत से अपना पावर बदल दिया जी जी। और उसका नाजायज फायदा मंत्री जी उठा रहे हैं और ये प्रधान भी उठा जी जी। हमारी लोगों की सुनते नहीं, बराबर बेइज्जती करते हैं, गाली देते हैं जी जी। धन्यवाद मैडम। आपका परिचय क्या है? मैं ग्राम प्रधान, मैं राम दुलारी नानी द्वारा ग्राम प्रधान जी। बोलिए, कल क्या घटना हुई थी? कल मेरे दरवाजे हथगांव थाना अध्यक्ष हैं, पूछने लगे तुम्हारा लड़का कहाँ। मैंने कहा कि गाँव गए हैं जी। तो उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ग्राम प्रधान बनी घूमती है पूरी है, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा जी जी। और क्या हुआ? और क्या तुम्हारा पत्र लेने में आपके साथ कुछ गाली गलौज हुई? गाली गलौज की तेरे ऊपर मुकदमा लगवा देंगे। वो दिन हुआ हथगांव मार धक्का मार के निकाल दी, तबीयत हमारी खराब रही है, धक्का मार के निकाल दी कि जब हुआ वही पर जीना पर बैठ जा। सर आपका परिचय? मैं पप्पू सिंह जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा खरी जी। सर जी, कल की घटना आप बताइए, कुछ हुआ था गांव में? जी, मेरे ऊपर हथगांव थाना अध्यक्ष द्वारा जी, चुनाव की मेरी 6 महीने से तैयारी चल रही है जी। हथगांव थाना अध्यक्ष द्वारा आए दिन गाली गलौज कर की जाती है और मेरे सहयोगियों के 21 लोगों के थाना अध्यक्ष द्वारा रेड कार्ड जारी किए गए जी।
उसके बाद आए दिन थानाध्यक्ष गाली गलौज आके करता। चुनाव में मेरे ऊपर पूरा दबाव बनाया गया, मुझे घर से निकलने नहीं गया जी। इसके पूर्व में मुन्नू सिंह पूर्व प्रधान मेरे दरवाजे असलहों से लैस होके 10 राउंड फायरिंग की, जिसकी शिकायत थानाध्यक्ष द्वारा की गई। तो थानाध्यक्ष ने मुझे पकड़ कर थाने बुलवाया और मेरे साथ मारपीट करके मेरा ही चालान 151 में कर दिया। उस दबंग के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एसओ ने कल आया और उसने पूरे गांव में घूम के गालियां बकी, मेरे दरवाजे आके मेरी माता जी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और मुझे गांव छोड़ जाने की धमकी दी कि अगर गांव छोड़ के नहीं जाता तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा जी। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम राकेश सिंह, निवासी अखरी जी। सर तो कल कुछ गांव में घटना हुई क्या? मेरे गांव में एक ही परिवार से, एक ही घर से लगातार 20 वर्षों से प्रधानी थी। अब की बार पूरे गांव के लोगों ने प्रधानी को बदला। पूरे प्रधानी के पीरियड में थानाध्यक्ष हदगांव द्वारा जीते हुए पार्टी के साथ बहुत दबाव बनाया गया। कल अचानक आके उनके साथ बहुत आते ही गाली गलौज की गई, बहुत अभद्र गालियों से। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोगों को उसने गाली किया, झूठे मुकदमे में फंसाने की जो है धमकी दी। बहुत भीड़ बढ़ गई, लोगों में बहुत आक्रोश हो गया, महिलाएं बच्चे बहुत पहुंच गए। काफी देर होल हुल्लड़ हुआ तो थानाध्यक्ष महोदय चले गए जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रभारी निदेशक हदगांव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि ग्राम अखरी में प्रधान पुत्र द्वारा जो है गांव के लोगों को धमकाया जा रहा था। इस संबंध में जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक हदगांव ग्राम अखरी पहुँचे थे, वहीं पर इस तरह की घटना घटित हुई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को जाँच उपरांत प्रस्तुत की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।